हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे हैं हम चारों भाई ठीक है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे हैं हम चारों हिंदू मुस्लिम सिख एक माता की पानी हमारे आपका नहीं किसी के बाप का पानी हमारे आपका नहीं किसी के बाप का अदीम जी पानी दो पानी दो पानी दो मुख्यमंत्री जी पानी दो पानी दो पानी दो अदीम जी पानी दो पानी दो पानी दो परेशानी है हाँ जी कब से परेशानी है पानी की सर काफी दिनों से हमारे यहाँ जब से संगम बिहार की बसावट हुई है जब से लेकर अभी तक पानी की पूर्ति हमारे यहाँ वादा करने वाले बहुत सारे नेता है लेकिन आज तक की डेट में हम लोग यहाँ पानी सुविधा नहीं किया सारे नेता आश्वासन देके जाते हैं कि हम आप लोगों को पानी देंगे लेकिन 1990 से मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ पानी का सुविधा के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है हम लोग परेशानी महिलाओं को होती है आप लोग कैसे पूरा करते हैं काम सपोर्ट करने आए क्या मांग है और कितनी कब से परेशान है देखिए संगम बिहार में 80% आबादी जो है वो आप बोल सकते हैं कि रोजी रोटी कमाने वालों की है उनकी आर्थिक अगर आप आय देखें मासिक आय देखें तो 7 से 8 हजार कमाते हैं उनमें से उन्हें 1200 से 1500 रुपया उन्हें पानी के लिए खर्च करना पड़े तो वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा उसके लिए हमारा ये जंग है और भारत जैसे देश में जहाँ पे आधी आबादी बाढ़ से त्रस्त रहती है वहाँ पे इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने रखा है कि हमारी जनता प्यासी मर रही है इसके लिए हमने आवाज उठाया दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं और उन सब ने आवाज बुलंद किया संगम बिहार के 10 लाख लोगों के लिए वहाँ पे 10 लाख की आबादी है और हम उन्हें प्यासा नहीं देख सकते बेसिक जो है वो पूरा नहीं हो रहा है आपको क्या कहते हैं सर संगम बिहार कॉलोनी में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और ये झगड़ा उस तरह से चल रहा है जैसे 70 साल से जम्मू कश्मीर का झगड़ा उसी तरह 30 साल से ये संगम बिहार के पानी का मैटर चल रहा है केजरीवाल जी ने 700 लीटर पानी देने का वादा किया था हमने और आप में सभी ने चढ़ बढ़ के वोट दिए जीता है बहुत अच्छी बात है लेकिन हम आज तब भी तरस रहे थे और आप भी तरस रहे बदलाव देखा था बदलाव नहीं हुआ बदलाव नहीं हमें पानी चाहिए टैंकर बिके जा रहे हम खरीद रहे हम पैसे देकर टैंकर खरीद रहे और टैंकर बिके जा रहे हमें पानी चाहिए और 3 महीने के अंदर में हमें पानी